सभी दोस्तों का नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको हैवी पेट, छाती और पेट में 4 से 10 इंच तक का जो फर्क होता है, जैसे छाती 40 है, पेट 44 है, 48 है, 50 है, ऐसे जो ज्यादा पेट होते हैं, ज्यादा फर्क होता है, उस शर्ट की कटिंग मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल शरीर में कैसे सेट आ जाए, ना आगे से उठे, ना पीछे से लटके, ना बाजू घूमे, ये सारी चीजें आज की शर्ट की कटिंग में मैं आपको बताऊंगा। और शर्ट की कटिंग ही नहीं, इसके बाद मैं आपको इसी शर्ट को सिल के भी बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ कटिंग बताने से पूरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं प्रैक्टिकली सिल के भी ये शर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। हैवी साइज की, मोटे पेट की शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने 240 कपड़ा ले लिया है, वैसे हम ये 2.25 में भी काट सकते हैं, लेकिन 240 इसलिए लिया है कि बाद में खर्चा नहीं बचता। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया। इसका साइज लिख लेते हैं, क्या साइज का बनाना है हमने। ये हमने बनाना है लंबाई 29.5 कर लीजिए, हैवी साइज है, लंबाई 29.5, छाती 42, पेट 46, 4 इंच का छाती में और पेट में फर्क है, 46 का भी 48 कर लीजिए आप, ये पेट 48 कर लीजिए, 6 इंच का फर्क कर लीजिए, क्योंकि हैवी साइज ज्यादा पेट वाला जो साइज होता है उसमें 4, 6, 8 इंच का ही फर्क होता है, तो 6 इंच का मैं आपको फर्क करके ये काट के बता देता हूं। इसका तीरा है 19 इंच, इसकी बाजू है 25 और गला है 17 इंच। ये इसका मेजरमेंट है, लंबाई 29.5, छाती 42, पेट 48, तीरा 19, बाजू 25 और गला 17 इंच। अब हम शुरू करते हैं। ये नीचे एक हमने लंबाई का निशान लगा लिया है, ये हम 0.25 इंच दबाव में छोड़ देंगे। ये हमारा, अब हमने लंबाई लेनी है इसकी 29.5। ये ऐसे हम लेंगे, ऊपर की तरफ से फीता रखेंगे, ऐसे 29.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा 29.5। अब हम इसका आर्मोल का भी निशान लगा लें, मुड्ढे का निशान, 42 छाती है तो 42 छाती का 1/4 हो गया 10.5, 10.5 से 0.25 कम यानी 0.25 इसका आर्मोल हो गया। ये हम पहले निशान लगा लेते हैं, उसके बाद पेट का भी निशान लगाएंगे। कुर्ते में पेट का निशान हमारा साइड की जेब के हिसाब से लगता है, वहीं आता है जेब के हिसाब से, और यहां पे हम ये पेट का निशान हम लगाएंगे जो शर्ट में, इसका मुड्ढे का और लंबाई का हाफ कितना हो गया हमारा 10, और 2 इंच हम ऊपर लगाएंगे, ये 2 इंच पेट ऊपर होता है, ये हमारा पेट का निशान हो गया। बहुत से सेंटर में भी इसको निशान लगा लेते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लंबाई थोड़ी सी बेल्ट से, पैंट के बेल्ट से नीचे ही जाती है, इसलिए ये 2 इंच ऊपर लगाना चाहिए। अब यहाँ से हम फैशन का निशान लगा लेते हैं, इसको फैशन बोलते हैं,
ये जो पट्टी आगे से मुड़ती है इसको फैशन बोलते हैं। तो ये हम करीब 1.25 इंच का ये हम निशान लगा लें। ये हो गया हमारा। अब देखिए, हम जिसका पेट ज्यादा होता है, 2 इंच भी ज्यादा है, तो भी हम यहां से कटिंग शुरू करेंगे। पेट से 4 इंच 6 इंच कितना भी ज्यादा हो, हम पेट से कटिंग शुरू करेंगे। अब पेट से कटिंग कैसे हम शुरू करेंगे, अब ये देख लीजिए। पहले हम पेट के निशान लगाएंगे। 48 पेट है, 12 चौक 48, ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया, और 2.25 इंच की हमारी लूजिंग होगी, ये हो गया। ये हमारा 14.25 इंच का पेट का फ्रंट आ गया। अब हमने क्या करना है, देखिए, अब हम यहां से ये हम इस पेट से, देखिए इस पेट के निशान से थोड़ा सा ऊपर, यहां से हम इसको ये निशान लगाएंगे। ये हम यहां से पेट निकाल देंगे। ये जो फैशन का हमारा निशान है, अब ये निशान की बजाय ये हमारा निशान हो जाएगा फैशन का, क्योंकि यहां से हमने पेट बाहर निकाल दिया है। इधर से भी पेट बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा। तो ये हमने सीधा निशान लगाएंगे, हम ऐसे स्क्वायर से निशान लगाएंगे, पट्टी से निशान नहीं लगाएंगे। ये हमने यहां से पेट बाहर निकाल दिया है। अब हम छाती का निशान लगाएंगे, तीरे का निशान लगाएंगे। अब छाती कितनी है इसकी, 42, 10.5 प्लस 2.25 इंच लूजिंग, ये हो गया हमारा। और तीरा है 19, तो हम 20 काटेंगे, 20 काटेंगे, 10 से 1 सूत कम, ये हमारा तीरे का निशान हो गया। 1.25 इंच ज्यादा काटेंगे, 3 सूत इधर से जाएगा तीरा, 3 सूत उधर से, तो ये 10 से 1 सूत कम पे हमने ये निशान लगा लिया। और यहां से हम, यहां से करीब 0.5 इंच हम बाहर ऐसे अंदर लेंगे, और ये निशान हम तीरे का ये लगा देंगे। ये देखिए, अब इसका ऐसा जो साइज होता है, जिसका पेट बाहर होता है, उसके कंधे ऐसे पीछे की तरफ होते हैं, तो डाउन भी होते हैं थोड़े से। तो इसको हमने आमतौर पे हम शर्ट को 1.25 इंच, कुर्ता हो या शर्ट हो, 1.25 इंच डाउन करते हैं, लेकिन इसमें हमने 2 इंच डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेट बाहर निकला हुआ है। बाहर पेट निकला हुआ जो भी होगा, उसका शोल्डर भी थोड़ा सा डाउन ही होगा। तो ये हम 2 इंच इसको हम डाउन करेंगे। और यहां से इसका गला है 17 इंच, तो 17 इंच का 5वां हिस्सा कितना हो गया, 5 × 15 का तो 3 हो गया, और 2 इंच का 5वां हिस्सा ये हो गया, समझो 3 सूत ज्यादा हो गया, मान लो 3.5 ही मान के चलिए आप, 3.5 से 1 सूत कम, ये हमारा इधर हो गया। इतना ही हम 3.5 से 1 सूत कम, इतना ही हम ये आला रखेंगे, ये हमारा शर्ट का आला हो गया। लेकिन हम काटेंगे यहां पे ऐसे काटेंगे, क्योंकि जब कॉलर तैयार होगा तभी हम इस आले को कंप्लीट कॉलर के हिसाब से बनाएंगे। अब ये मैं निशान, ये 2 इंच डाउन का निशान लगा देते हैं, और ये हमारा आर्मोल हो गया, ये आर्मोल हो गया। अब हम साइड का निशान इस सेब पट्टी से लगाएंगे। ये सेब पट्टी हम, अब ये देख लीजिए, ये कहां, ये निशान हमने मेन देखना है, और ये हमने ये देखना है, ये देखिए, ये हमारा साइड का निशान हो गया। अब हमने जो 6 इंच को पेट को कवर किया है, कुछ तो हमने यहां से राउंड शेप में कवर कर लिया, और कुछ हमने यहां बाहर निकाल दिया सामने में, ये हमारा फैशन का, यानी पट्टी हमारी यहां से मुड़ेगी। ये देखिए, यहां से हमारी पट्टी ये मुड़ेगी ऐसे, ये आपका इसका गला हम लिख देते हैं यहां पे, 17 इंच गला है, ये हमारा फ्रंट कट गया। अब मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। ये हमने फैशन की इस पट्टी का जो निशान लगाया है, ये हमने ऐसे यहां से पेट बाहर निकालने के लिए, ये हमने यहां ऐसे निशान हमने ले लिया अंदर की तरफ। उसका हमारा फायदा ये होगा,
कि इसका जो पेट बड़ा हुआ है वो यहां से भी निकल जाएगा और यहां से भी निकल जाएगा। अगर हम ये सीधा निशान रखते हैं और ये है और यहां से हमारा इस सीधे निशान से अगर 42 छाती का ये 10.5 तो ये हमारा निशान आ गया और 2.25 ये आ गया। यहां पे हमारा निशान ये बनता और ये अगर हम ऐसे साइड का ये लगाते तो ये जहां पे जाके देखिए यहां पे जाके इसकी साइड बैठती है। अगर यहां पे भी नहीं बैठेगी तो यहां से हमने बहुत ज्यादा साइड का राउंड करना पड़ेगा और ऐसी ढोल की टाइप में ये हमारी साइड बन जाएगी। मैं आपको साइड का निशान लगा के दिखा देता हूं। इसके हिसाब से भी अगर हम ये निशान ना करें और ये निशान मान के चले तो हमारी साइड कैसी बनेगी वो देख लेना। ये मैं निशान लगाता हूं, ये हमारा पेट का निशान है, ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये लेके जाएंगे तो ये देखिए ये हमारा कितना ढोल की टाइप में हमारा ये पेट बन गया और ये ना तो बिछाने में प्रेस करने में ठीक आएगा और ना ही इसकी ढंग से पेट पे फिटिंग बैठेगी। अब यहां से हमने ले लिया, यहां से हमने पेट बाहर निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया, बराबर बराबर पेट बाहर निकल गया तो हमें आराम से उसको पेट पे फिटिंग भी अच्छी आएगी, शर्ट आगे से उठेगी भी नहीं। अगर हम ये सीधी रखते हैं और इस निशान पे काटते हैं तो ये शर्ट, ये पेट जो है ना शर्ट को आगे से उठा भी लेगा और फिटिंग भी इसकी खराब हो जाएगी। इसलिए ये निशान लगाना, यहां से मोड़ना जरूरी है क्योंकि पेट यहां से भी बाहर निकलेगा तो साइड से इतना पेट नहीं होता जितना आगे से यहां से होता है आगे से, इसलिए यहां से ये बाहर निकालना जरूरी है और ये निशान लगाना जरूरी है। अब मैं इसको काट देता हूं क्योंकि मैंने इसको आपको सिल के भी बताना है कि क्योंकि सिर्फ यहां से बाहर निकालने से ही जो शर्ट आगे से उठती है वो कंट्रोल नहीं होगी। सिलते वक्त भी मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा कि उसमें वो सिलते वक्त ही आपको बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। सिलते वक्त भी जो बताऊंगा उससे भी ये शर्ट उठना कंट्रोल होगी। तो दो तरीके से होगी, एक तो ये यहां से पेट बाहर निकालने से होगी और एक सिलते वक्त हम यहां पे जो एडजस्टमेंट करेंगे उससे कंट्रोल होगी। तो पहले मैं इसको काट देता हूं। ये यहां से हम साइड को ऐसे काटेंगे। ये हमारे सामने कट गए, अब हम बैक काटेंगे। ये कितना बिछाना है, कितना चौड़ा हमने रखना है, ये हम पहले सामना ये सामने को देख लेते हैं और इसके पेट के हिसाब से हम देख लेंगे। ये हमारा टोटल है 14.5 इंच हमारा टोटल है तो हम 1.25 इंच का बैक कम रखेंगे तो 1.25 इंच कितना हुआ, 14.25 इंच, यानी हमने ये 14.25 इंच फोल्ड करना है। ये 14.25 इंच हमने ये फोल्ड करना है, ये देखिए 14.25 इंच हमने फोल्ड कर लिया। ये देखिए बैक हमारी 1.25 इंच कम हो गई है, ये 1.25 इंच हमने बैक कम ले लिया है। लेकिन यहां से हम इस निशान से, क्योंकि ये निशान तो हमने टेपर कर दिया है, इस निशान से 1.25 इंच देख लीजिए आप, ये कम होगी 1.25 इंच। ये देखिए ये 1.25 इंच हमारी बैक कम हो गई है। अब ये हम बैक का निशान लगाएंगे, बिल्कुल जहां से हमने ये डाउन किया है वहीं से हम बैक का सीधा निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा निशान होना चाहिए। ये हमारा तीरे का निशान, यहां हम तीरा लगाएंगे। अब हमारा तीरा कितना है, तीरा है हमारा
19 इंच यानी 10 से एक सूत कम, पौने 20 हमने ये तीरे का निशान लगा लिया, ये तीरे का हमारा निशान हो गया। अब हम इसको इससे पट्टी से, ये जो कम शेप की पट्टी है इससे हमने इसको ऐसे शेप में ले जाके और ये निशान लगाना है। ये निशान हमारा लग गया और ये हमारा बैक का अलमोल हो गया। ये हम यहां पे इसको हम काटेंगे। ये मैं बैक फिर बता देता हूं, यहां से हमने पौना इंच कम ये काटी है और यहां से इस सीधे निशान से इधर पौना इंच कम हो गया हमारी और ये हमारा कंप्लीट तीरा हो गया। अब इसको मैं काट देता हूं। ये हमारी बैक कट गई है। अब देखिए ये पेट सामने को उठाएगा, कुछ तो कंट्रोल हम यहां से कर लिया हमने पेट बाहर निकाल के, कुछ कंट्रोल हम इसमें यहां से करेंगे, लेकिन ये जब मैं आपको सिल के बताऊंगा तभी आपकी समझ में आएगा कि ये कैसे कंट्रोल करेंगे। ये सामना बैक हो गया। अब पहले मैं आपको तीरा काट देता हूं। ये इस पे हम यहां से तीरा काट लेते हैं। अब तीरा है इसका 19 इंच यानी पौना इंच ज्यादा, 10 से एक सूत कम। ये किनारे को हम काट देते हैं। ये किनारे हमने काट दी। ये हम पहले यहां से ले ले 3.5 इंच, ये 3.5 इंच ले ले, ये 3.5 इंच ले ले, और ये हमारा गला है 17 इंच, तो उसके हिसाब से 3.25 बनता है, तो ये 3.25 ये हमने ये ले लिया और यहां से 5 इंच, ये हम सिर्फ 5 इंच लेंगे यहां में, और यहां में सिर्फ 1.5 इंच का फर्क किया है। 1.5 इंच का फर्क क्यों किया है, बहुत से लोग यहां से 3.5 लेंगे तो यहां से भी 5.5 लेते हैं, लेकिन ये 2 इंच का ये जो हाला आएगा टिक आएगी ये 2 इंच की ही लेंगे हम। अब ये पहले मैं निशान आप समझ में तब आएगा जब ये मैं निशान लगा देता हूं। ये देख अब ये मैंने निशान लगा दिया, ये 5 इंच है, ये 3.5 इंच है। अब पहले इसको सीधा लगा देता हूं। अब यहां से सीधा और आगे से ये सेफ राउंड करना, ये हमारा ये तीरा हो गया। अब यहां में और यहां में सिर्फ 1.5 इंच का फर्क है, लेकिन हमें यहां पे 2 इंच पे हाला लेना है, यहां से 2 इंच पे लेना है, ये 2 इंच पे हमने यहां से हाला लेना है। ये लेना है। अब हमारी टीक कितनी बची, यहां तो हमारा 3.5 है लेकिन यहां टीक हमारी 3 इंच बच गई है। अब इसका फायदा देखिए क्या होगा कि जो कॉलर के नीचे एक सलवट आती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है, सलवट ऐसे फोल्ड होता है कॉलर के नीचे कई बार, तो ये ऐसा करने से, ये नीचे 2 इंच करने से वो सलवट आपकी खत्म हो जाएगी। अब ये हमारा ये तीरा हो गया। अब मैं इसको काट देता हूं, लेकिन हम इस पे नहीं काटेंगे, थोड़ा सा मार्जिन रख के काटेंगे, क्योंकि जब हम कॉलर चढ़ाएंगे तो ये अपने आप मांग लेगा कॉलर के हमें कितनी गहराई चाहिए। अब इसका सेंटर निकालेंगे और ये कितना बाहर जाएगा ये भी निकल जाएगा,
ये हम इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए दोनों ये, और यहाँ पे ये हमारा बाजू का सेंटर बनेगा, ये हमारा बाजू का सेंटर बनेगा, ये हमारा तीरा हो गया। आप इसको बेशक निशान पे भी काट सकते हैं, लेकिन निशान पे थोड़ा सा मार्जिन इसलिए रख के चलना चाहिए, जब आप हाला काटेंगे कॉलर चढ़ाएंगे तो आपको मान लो कॉलर काटने में छोटा बड़ा कट जाता है तो ये आपका दबाव कवर कर लेगा उसको। ये चीज, ये तीरा हो गया हमारा, यहां से 3.5, यहां से सिर्फ 5। बहुत से लोग 4 और 6 काट देते हैं या 3.5 काट देते हैं, तो हमारा वो तरीका नहीं है। हम यहां से 3.5 लेते हैं, यहां से 5 लेते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने कुर्ते में भी बताया था कि यहां पे यहां जो हम कुर्ते का यहां से 1.25 लेंगे तो यहां से 2 लेंगे, 2 सू ज्यादा लेंगे, तो वही हिसाब यहां पे इसमें इस तीरे में आ जाता है। ये देखिए सेम वही हिसाब आ गया आपका। अब ये ऊपर नीचे आधा इंच चढ़ा देते हैं, ये देखिए अब ये हमारा ये कितना हो गया ज्यादा, ये यहां से 2.5, यहां से 2.25 है और यहां से 2.5 है, वही 2 सूत का ये आपको फर्क नजर आ जाएगा। जैसे कुर्ते में मैंने बताया था वही चीज यहां पे आपको फर्क नजर आ गई। ये हमारा तीरा भी कट गया और ये सामना बैक कट गया। अब मैं बाजू काट देता हूं। ये हमने सीधा कर लिया। अब बाजू का सीधा हिसाब ये है, बाजू का सीधा हिसाब ये है कि हमने जितना मुड्ढा काटा है, जितना आर्मोल का मुड्ढा काटा है वो हमने 42 का 10 काटा है, तो यहां से हमारा ये सीधा, यहां से हमारा आधा इंच ज्यादा होना चाहिए, यानी 1.25 और आधा कितना हो गया आपका 10.25, यहां से ये 10.25 ही होना चाहिए। अगर हम यहां से ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी ये बाजू ज्यादा पड़ेगी और शर्ट का आर्मोल आपका छोटा पड़ जाएगा, तो यहां से सिर्फ आधा इंच हमने ज्यादा लेना है, क्योंकि मेन हमारा ये यहां पे है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 3.5 इंच गिरा देंगे, ये 3.5 इंच गिरा दिया हमने और ये हमारा ये हो गया, ये बैक साइड का निशान हो गया। और अब हम ये सामने की साइड का ये निशान लगाएंगे, ये हमारा सामने की साइड का निशान हो गया। अब हमारी बाजू कितनी है, 25 इंच। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ये देखिए ये हमारा बैक का निशान हो गया, बैक साइड का, और ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया। अब हमारी बाजू है कितनी, 25, तो हम आधा इंच यहां से दबेगी, आधा इंच नीचे से दबेगी, तो कितना हो गया हमारा 26। 26 में हमने 2.5 इंच की कफ निकाल दीजिए, 2.5 इंच की कफ लगानी है, तो 26 में से 2.5 गए, कितना बच गया 23.5। 23.5 हमने इसकी बाजू, 25 बाजू है तो 23.5 पे ये हमने निशान लगाया। मैं फिर दोबारा समझा देता हूं, हमारी बाजू 25 है, आधा इंच यहां से बाजू दबेगी, आधा इंच कप के अंदर दबेगी, 1 इंच आप 25 से 1 इंच ज्यादा कर लीजिए, 26 होगी, 26 में से 2.5 इंच की कफ निकाल दीजिए, तो 2.5 इंच की कफ निकालेंगे तो ये 23.5 आपका ये आ गया, तो 23.5 पे हमने ये निशान लगाना है। यहां से हम 2 इंच का टेपर लेंगे, ये 2 इंच का हम ये 2 इंच का टेपर लेंगे और फिर ये सीधा निशान हम ये लगा देंगे। अब इसकी छाती 42 है तो हमें 10.5 इंच की इसकी कफ बिल्कुल ये तैयार आएगी और ऊपर नीचे चढ़ के ये 9 इंच टोटल बचेगी, क्योंकि इसकी कलाई 42 इंच छाती की 9 इंच की कलाई मिलेगी, तो ये ऊपर नीचे बंद होके बाजू बंद होने के बाद तो ये 9 इंच आना चाहिए। तो ये 9 इंच कैसे आएगा, ये 9 इंच तब आएगा तब हम इससे 1.5 इंच ज्यादा काटेंगे, 10.5 इंच ये हमारा, और 1 इंच की हमें
प्लेट 11.5 इंच हम काटेंगे तो ये 6.25 इंच 11.5 का ये 6.25 हो गया। ये हमारी बाजू होगी, मैं इसको काट देता हूं। ये सामने का हिस्सा काट देता हूं। ये हमारी बाजू है, सेंटर का कुटका लगा लीजिए आप। ये हमारी बाजू हो गई है। ऐसे आप फैला के देखेंगे, अगर आपको शेप में कोई कमी लगती है तो आप कैंची से उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये हमारी बाजू हो गई है। अब हमें चाक पट्टी का काटना है। चाक पट्टी का हमेशा बैक साइड में होता है, बैक साइड में। तो ये हम, ये जो हमारा बैक का पल्ला है इसको हम ऐसे बैक साइड में, ये ओरिजिनल साइड लेके आएंगे ये हमारा। अब हमने यहां से 1 इंच छोड़ के इसको डबल फोल्ड कर देगा। 1 इंच के करीब हमने ये अलग से छोड़ दिया है। और यहां पे हम इसका चाक पट्टी का निशान लगाएंगे, ये काटेंगे। ये करीब 5.5 इंच की हम चाक पट्टी लगाएंगे और सिंगाड़ा बन के 1 इंच का सिंगाड़ा, तो ये 6.5 के करीब हमारी चाक पट्टी तैयार आ जाएगी। तो ये हम चाक पट्टी काट देते हैं। ये सिंगल पल्ला बैक साइड के पल्ले पे कटेगी सिर्फ। ये हमारी चाक पट्टी कट गई है। ये देखिए, ये बैक साइड में कटी है हमारी चाक पट्टी। ये बैक हमारी, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो बैक साइड में हमने ये चाक पट्टी काटी है। ये हमारी बाजू होगी। तो दोस्तों, ये थी हैवी पेट वाली शर्ट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।